अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो है गेम को जो है वो ऑन कर लिया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो है कीबोर्ड के बारे में बताऊंगा, पबजी के कंट्रोल्स के बारे में बताऊंगा कि कीबोर्ड पर आप जो है किस बटन से जो है क्या काम ले सकते हैं। जो भी बिगिनर्स प्लेयर हैं जिन्हें एमुलेटर का नहीं पता, कीबोर्ड का नहीं पता कि कीबोर्ड के कौन से बटन को प्रेस करने से कौन सा फंक्शन होता है, तो वो मैं आप जो है आपको बताऊंगा। बाकी जिन दोस्तों को पता है वो अगर वीडियो ना भी देखें तो कोई बात नहीं, बाकी ये वीडियो मैं स्पेशली उन्हीं के लिए बना रहा हूँ जो कि न्यू जो है वो एमुलेटर पर आए हैं और एमुलेटर पर खेलना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कीबोर्ड का नहीं पता कि ये कीबोर्ड पर जो है कौन सा बटन दबाएंगे और जो है इस पर क्या काम होगा। तो सारे कंट्रोल्स की मैं आपको यहाँ पर सेटिंग बताऊंगा। सबसे पहले क्या कहते हैं, यहाँ से चेयर पार्क में चले जाते हैं और फिर बाकी सारे कंट्रोल की सेटिंग जो है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हम आ चुके हैं चेयर पार्क में। सबसे पहले बात करते हैं स्टे बटन की। अगर आप इसको दबाते हैं तो आपकी यहाँ पर सेटिंग निकल आती है। आप जो कुछ भी जो है वो करना चाहें इसमें जो है वो आप कर सकते हैं, जो भी सेटिंग आपने चेंज की हो। और उसके बाद जो है दूसरा इम्पोर्टेंट बटन है ये कंट्रोल का। आप अपनी माउस को जो है उसको लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बार कंट्रोल दबाएंगे तो माउस जो है आपका वो गायब हो जाएगा, दूसरी बार दबाएंगे तो वो जो है आपका माउस आ जाएगा और आप अपने माउस से भी काम ले सकते हैं। तो अभी जो है बैक आ जाते हैं यहाँ पर चेयर पार्क में। यहाँ पर अभी जो है हमने इसको बढ़ाना है तो उसके लिए जो है W काम करेगा, आगे जाएगा, एस के साथ ये बंदा पीछे आएगा, उसके साथ जो है ए के साथ लेफ्ट जाएगा और जो है डी के साथ राइट जाएगा। इस तरह W के साथ आगे, एस के साथ पीछे, ए के साथ लेफ्ट और डी के साथ राइट। और इसी तरह हमने इसको बढ़ाना है तो सी के साथ बैठ जाएगा, जी के साथ जो है ये लेट जाएगा। उसके बाद अगर आपने इसको तेज बढ़ाना है तो आप जो है शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये जो है तेज भाग देगा। इसको आपने जंप करवाना है, शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये जंप करेगा। सी के साथ बैठ गया, जी के साथ लेट गया, फिर जी दबाएंगे तो उठ गया। और इसी तरह अगर हमने इसको पी करवाना है तो क्यू प्रेस करेंगे तो जो है ये लेफ्ट पीक लेगा और ई के साथ ये राइट पीक लेगा। इस तरह से जो है आप इससे जो है काम ले सकते हैं। टैप वाला बटन दबाएंगे तो आपका यहाँ पर जो है आपका बैग खुल जाएगा, जो भी आपने यहाँ पर सामान लिया होगा वो सारा का सारा सामान यहाँ पर आ जाएगा। तो अभी कोई ना कोई सामान लेते हैं और फिर जो है ना आपको दिखाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर अगर आप आ जाएंगे, अगर आपने कोई चीज़ उठानी है, पहला बटन है अगर आपने जो है ये इंजेक्शन उठाना है तो F के साथ, और इसी तरह अगर आपने जो सेकंड वाला उठाना है तो G के साथ प्रेस करेंगे तो सेकंड वाली आ जाएगी। F के साथ दबाते जाएंगे तो वो जो है नंबर वाइज पहले वन फिर दूसरी F के साथ सारी उठा ली जाएंगी। लेकिन अगर आप अभी यहाँ पर जो है एनर्जी ड्रिंक आप उठाना चाहते हैं तो आप जो है F के साथ जी के बाद जो नंबर उसी तरह जो आ रहा है H वो दबाएंगे तो एनर्जी ड्रिंक उठा ली जाएगी। तो इस तरह से आप तरतीब वाइज जो है इनमें से उठा सकते हैं। लेकिन आप सभी उठाना चाहते हैं तो आप जो है एफ प्रेस करते जाएंगे, बारी बारी जो है सभी उठा ले जाएंगे। शिफ्ट के साथ फिर बाकी आगे जाएंगे। यहाँ से अगर आपने गन उठानी है तो गन भी आप जो है तरतीब वाइज, पहली गन है तो एफ, दूसरी गन उठानी है तो जी और तीसरी उठानी है तो एच, इसी तरह से आप उठा सकते हैं। अगर आप ऐसे भी नहीं उठाना तो कंट्रोल को दबाएं, आपका माउस ऑन हो जाएगा, यहाँ से कोई भी गन आप स्टार्ट करें तो वो गन जो है वो आप उठा सकते हैं। कंट्रोल के साथ फिर साइड पर इधर आ जाते हैं। यहाँ से अगर आपने ये गन उठानी है, पहली एफ दबा लिया और उसके बाद जो है यहाँ पर आ जाते हैं। अगर आपने जो है दूसरी गन उठानी है तो जी उठाएंगे, दबाएंगे तो दूसरी गन उठा लेंगे। और इसी तरह अगर आपने एमओ उठानी है तो एफ, एमओ आ गई। इसी तरह से जो है आप उठा सकते हैं। यहाँ से ये वाली गन लेते हैं तो यहाँ से एमओ उठानी है तो एमओ के लिए हम ऐसे भी ले सकते हैं और जो है हम एफ के साथ भी एमओ को उठा सकते हैं। अभी हमारे पास जो है बैग नहीं है, सबसे पहले बैग उठाते हैं। तो ये जो है हमने यहाँ पर जो है कुछ चीज़ें ले ली हैं। अभी जंप आपने करना है, वैसे स्पेस के साथ ही आपने ये स्पेस दबानी है, ये जंप हो जाएगा। तो इसी तरह ये अभी यहाँ पर अगर आप देखें कि मैंने ई दबाया तो जो है ये राइट पीक ले ली इसने, और इसी तरह मैं जो है यहाँ पर क्यू प्रेस करता हूँ तो इसने जो है लेफ्ट पीक ले ली। तो इस तरह से आप पीक जो है ले सकते हैं। और अगर आपने गन चेंज करनी है तो आप जो है एक दबाएंगे तो ये पहली गन ले लेगा, दो दबाएंगे तो ये दूसरी गन ले लेगा, और इसी तरह जो है अगर आप तीन दबाएंगे तो सिंगल मोड आ जाएगा और फिर से तीन दबाएंगे तो ब्रश मोड आ जाएगा। और इसी तरह अगर आपके पास ग्रेनेड वगैरह भी है तो आप फोर दबाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एप्पल हमारे हाथ में आ गया, लेकिन अगर ग्रेनेड होता तो वो ग्रेनेड आ जाना था। इस तरह से जो है आप ग्रेनेड भी फोर के साथ ले सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास स्मोक है तो आप फाइव प्रेस करेंगे तो आपके हाथ में स्मोक आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर मेरे हाथ में जो है यहाँ पर स्मोक नहीं है। तो फाइव के साथ आपके पास स्मोक आ जाएगी और सिक्स के साथ जो है मोली आ जाएगी। तो इस तरह से जो है फोर फाइव सिक्स के साथ जो है आप
4 के साथ ग्रेनेड, 5 के साथ स्कोप और 6 के साथ जो है आप मोरी ले सकते हैं। और इसी तरह अगर आपने भागना है तो आप जो है शिफ्ट दबा देंगे और बाकी सारे बटन आप छोड़ दें तो ये भागता जाएगा। तो और इसके साथ ही जो है आप फ्री लुक लेना चाहते हैं, यानी कि साइड पर इन्वायरमेंट में देखना चाहते हैं कि आपका बंदा भागता भी जाए और जो है आप आसपास में देखे कोई एनिमी तो नहीं है, तो आप आर दबाएंगे और अपने माउस को जो है घुमाएंगे, आप भागते भी जाएंगे और आगे पीछे जो है आप सारा व्यू जो है वो आप ले सकते हैं। इस तरह से जो है आर प्रेस करके आप जो है ये सारा व्यू ले सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद अगर आपने जो है पैन उठाना है तो एक्स के साथ आप पैन उठा सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया जो है बेसिक सेटिंग जो कि मैंने आपको बता दी। अगर आपने गाड़ी में बैठना है तो गाड़ी में कैसे बैठेंगे, गाड़ी के पास जाएंगे, यहाँ पर पहला ऑप्शन है ड्राइव का, दूसरा गेट इन का। अगर आपने ड्राइव करना है तो आप एफ प्रेस करेंगे, आप जो है ड्राइविंग सीट पर आ जाएंगे और जो है आप इसको ड्राइव करेंगे। अगर आपने जो है इसमें जो है आपने बाहर निकलना है, ड्राइव नहीं करना, आप एफ दबाएंगे तो आप गाड़ी से बाहर आ जाएंगे। लेकिन अगर आपने जो है साइड वाली सीट पर बैठना है, कोई आपका जो है पार्टनर जो है वो ड्राइव करना चाहते हैं, तो आप जी प्रेस करेंगे तो आप जो है साइड वाली सीट पर बैठ जाएंगे। और इसी तरह अगर आपने सीट चेंज करनी है तो सी प्रेस करते जाएंगे, आपकी सीट जो है वो चेंज हो जाएगी। इस तरह से जो है आप इसमें से ये सब जो है आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप जो है इस पूरी स्क्रीन को जो है अपनी अपने पीसी की स्क्रीन पर फिट करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है आप अपने कीबोर्ड से F11 प्रेस करेंगे तो ये आपकी जो है पूरी स्क्रीन पर आ जाएगी। और अगर आपने इसको जो है फिर से मिनिमाइज करना है तो F11 प्रेस करेंगे तो ये फिर से छोटी हो जाएगी। और इसी तरह अगर आपने अपने इमोड वगैरह अपने निकालने हैं तो आप जो है F4 दबाएंगे तो यहाँ पर आपके सारे इमोड आ जाएंगे जो भी आपके पास होंगे। F4 के साथ यहाँ से आप जो भी सिलेक्ट करेंगे वो जो है आप लगा सकते हैं। और उसके बाद जो है आप अपना माइक ऑन करना चाहते हैं तो आप जो है वाई प्रेस करेंगे तो यहाँ से आपका माइक ऑन हो जाएगा और आपका माइक जो है ऑफ हो जाएगा। वाई के साथ माइक ऑन ऑफ होता है। और इसी तरह का अगर आप आई भी दबाते हैं तो आपका सारा बैग जो है ये यहाँ से ओपन हो जाता है। यहाँ से अगर आपने कोई गन ड्रॉप करनी है तो आप जो है यहाँ सिंपल उस गन को प्रेस करके रखेंगे अपने माउस के बटन से और यहाँ लाकर आप ड्रॉप कर देंगे। और इसी तरह अगर आपने इनमें से कोई चीज़ यूज़ करनी है तो यहाँ से आप यूज़ भी कर सकते हैं। और अगर आपने ड्रॉप करनी है ड्रॉप आल तो ड्रॉप आल पर क्लिक करके ड्रॉप कर देंगे। लेकिन अगर आपने कुछ यहाँ पर ड्रॉप करनी है तो यहाँ पर ड्रॉप पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप जो है उसकी अमाउंट सेलेक्ट करेंगे और जो है आप इसको यहाँ से ड्रॉप कर देंगे। और उसके अलावा यहाँ पर जो है आपके सामने एक करेक्टर बना हुआ है, यहाँ पर अगर आप आ जाते हैं तो यहाँ पर आपकी सारी किट आ जाती है जो भी आपने ड्रेस पहना होगा। यहाँ से अगर आप अपना जो है ड्रेस ड्रॉप करना चाहें तो वो भी आप जो है ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये यहाँ से आप जो है यहाँ से सब कुछ कर सकते हैं। बाकी पीक एंड फायर के लिए आपको जो है सेटिंग में पीक एंड फायर को ऑन भी करना पड़ेगा, स्केप पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो है आपने बेसिक सेटिंग में आकर यहाँ पर आपको पीक एंड फायर वाला ऑप्शन मिलेगा, इसको आप इनेबल करेंगे कि तभी जो है आपका क्यू और ई काम करेगा, इसको आपने इनेबल लाजमी करना है। और उसके बाद जो है आप अपनी मर्जी से भी कोई भी अपनी जो है यहाँ पर की रखना चाहें तो वो भी आप रख सकते हैं। आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पर आपने जो है क्लिक करना है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारी की मैपिंग जो है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर ये सारे कंट्रोल्स हैं, यहाँ पर उन्होंने बताया भी हुआ है, आप जो है यहाँ से अपनी मर्जी से उसको चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी का। और अगर आप जो है चाहते हैं कि गेम के दौरान आपको की मैपिंग जो है हिंट भी शो हो तो यहाँ से जो है डिस्प्ले की मैपिंग टिप्स इसको आप ऑन कर सकते हैं। जब आप गेम खेलेंगे तो ये सारी की मैपिंग जो है गेम के दौरान आपको नजर आएगी, अदरवाइज आप जो है इसको बंद भी कर सकते हैं। अगर आपने भी अपनी मर्जी से ऐड करनी है तो यहाँ से आप जो है सिंपल उस पर ऐसे क्लिक करके अपनी मर्जी की कोई भी की ऐड कर सकते हैं, यहाँ से सेव कर सकते हैं और यहाँ से रीसेट भी आप कर सकते हैं। तो मैं अभी जो है इसको नहीं करूँगा, मैं अभी जो है यहाँ से चला जाता हूँ बैक। तो उसके बाद जो है यहाँ पर मैं आपको फिंगर रखने का तरीका भी बता देता हूँ। शिफ्ट वाले बटन पर रखेंगे हम अपनी ये छोटी फिंगर रखेंगे शिफ्ट के ऊपर, ए के ऊपर रखेंगे 7 वाली, डब्ल्यू रखेंगे ये वाली फिंगर और डी के ऊपर ये वाली, और अपना थंब जो रखेंगे यहाँ पर। जब हम भागेंगे तो शिफ्ट दबाएंगे तेज भागेगा, जंप करना हो तो साथ साथ ये हम जो है ये भी कर देंगे। अगर हमने बैठना तो ऐसे छिपा देंगे साथ साथ। उसके अलावा अगर हमने जो लेना है तो इस वाली फिंगर से ऐसे जी दबा देंगे, ये साथ साथ रहेंगे। और उसके बाद जो है अगर हमने पीक लेनी है तो ये वाली फिंगर हम दबा लेंगे पीक, और अगर हमने जो है राइट पीक लेनी है तो ये वाली फिंगर। उसी तरह अगर हमने जो है अपनी गन रीलोड करनी है तो आर दबाएंगे तो ये जो है रीलोड हो जाएगी। तो ये तो तरीका हो गया कीबोर्ड का जो कि मैंने आपको बताया कि आप जो है कैसे जो है कि इसको जो है काम में ला सकते हैं। और अगर हमने रिवाइव लेना है ऐसे, और अगर हमने गन चेंज करनी है तो इसी फिंगर से ऐसे 1 और 2 3। उसी तरह आपने नेट करना है तो 4 प्रेस करेंगे यहाँ से, ये सारी साथ साथ रहती हैं। तो ये ऐसी तरह से आपने जो है अपनी फिंगर्स रखनी है। अभी आ जाते हैं माउस की तरफ, इसको जरा साइड पर कर देता हूँ। यहाँ पर माउस पर भी एक चीज समझा देता हूँ, तो ये रहा माउस और ये रहा माउस का स्क्रॉल बटन। अगर आप इसको स्क्रॉल करते हैं तो आपकी गन जो है वो चेंज हो जाती है। अभी मेरे पास एक ही गन है, ऐसे करूंगा तो दूसरी गन आ जाएगी। तो इस तरह से आप जो है गन भी चेंज कर सकते हैं।
और अगर आपने जो है फायर करना है तो आप जो है सिंपल ये वाला जो है अपना लेफ्ट बटन अपने माउस का प्रेस करेंगे तो ये सिंपल जो है फायर होगा। और अगर आप स्कोप भी ओपन करना चाहते हैं राइट बटन माउस का क्लिक करेंगे स्कोप ओपन हो जाएगी और यहाँ से आप जो है फायर करते रहेंगे। तो ये बेसिक सेटिंग थी एमुलेटर की कीबोर्ड की कि आप जो है कैसे जो है कीबोर्ड पर गेम पबजी को जो है वो आप खेल सकते हैं। जिसको इसके बारे में नहीं पता था तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद उन्हें सारे बटन की जो है वो समझ आ गई होगी कि किस बटन से कौन सा काम लेना है। बाकी मजीद अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं और आप जो है हमें चैनल पर सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आपको जो है मजीद आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।